को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। लखनऊ संभल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करते हुए कई गाड़ियों में आग लगा दी थी, तो वहीं संभल में भी प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगा दी थी। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद कई जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। गलत अफवाह और भड़काऊ खबरें ना फैलें, इसके लिए गाजियाबाद, लखनऊ, संभल, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, आगरा, पीलीभीत, फिरोजाबाद, हमीरपुर, प्रयागराज, मऊ, आजमगढ़, उन्नाव, कानपुर, सुल्तानपुर, आगरा, हरदोई, इटावा में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए लखनऊ, बुंदेलखंड और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। तो जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उसके चलते यूपी के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को रोका गया। तो नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसके चलते लखनऊ से बेंगलुरु तक प्रदर्शनकारी इन कानूनों के खिलाफ जो है सड़कों पर हैं, और जिसके चलते यूपी में 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है ताकि स्थिति को सामान्य रखा जा सके। लखनऊ पूरी तरह से अलर्ट पर, 32 सेक्टरों में लखनऊ को बांट दिया गया है, मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो वहीं लखनऊ प्रशासन सभी इमामों से बात कर शांति बनाए रखने की भी अपील करेगा। तो लखनऊ हिंसा पर यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। जो उपद्रव जिन्होंने मचाया उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तो नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अब इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। तो गुरुवार को लखनऊ में काफी हिंसा हुई थी, पुलिस ने कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि कई लोगों को अभी तक लखनऊ में गिरफ्तार किया जा चुका है, कहीं पर FIR भी दर्ज की गई है। तो संभल में भी इसी तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो पूरी तरह से लखनऊ अलर्ट पर है, पूरे लखनऊ को 32 सेक्टरों में बांटा गया है जहां मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, तो वहीं लखनऊ का प्रशासन सभी इमामों से बात कर शांति बनाए रखने की अपील भी की जाएगी। तो यूपी के संभल और लखनऊ में काफी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। इस दौरान लखनऊ और संभल में बसों को आग के हवाले कर दिया गया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया।